मौसम को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश। गुजरात के दो जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। देश के अधिकतर राज्यों में मानसून एक्टिव हो गया। वह मौसम विभाग की माने तो अगले तीन दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश जारी रहेगी। वह मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। वहीं कई बारिश के चलते गर्मी से राहत है तो कई बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं आज गुजरात के सभी हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। अब मौसम विभाग ने गुजरात में अगले पांच दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने दक्षिणी गुजरात के नवसारी और वलसाड़ में अगले तीन दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दमन और दादर नगर हवेली में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 36 के आसपास यहाँ पर रह सकता है। वही आज नई दिल्ली के इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश को यहाँ पर लेकर संभावना जताई है। वही मौसम विभाग की माने तो कुछ इलाकों में दिल्ली में जो बारिश का दौर जो है वो रविवार तक जारी रहेगा। वही मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यूपी में आज गरज चमक के साथ एक दो स्तरों पर भारी बारिश की संभावना भी देखने को मिल रही है। वही निजी मौसम पूर्वानुमान जैसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की अगर बात करें तो स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की माने तो उपमाने पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और कोंकण, गोवा तथा कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत और बिहार के पूर्वी हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और केरल, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में दिया गया है। यानी कुछ इलाकों में हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। वही मानसून जो है देश के लगभग पूरे सभी इलाकों में एक्टिव हो चुका है। अब बारिश का दौर जारी अब देश भर में यहाँ पर रहेगा। वही मौसम विभाग की ओर से अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र में अगले यहाँ पर तीन चार दिन तक के लिए मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। दरअसल राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट तो कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई से सटे थाने के कई इलाकों में कल पानी भर गया। माय नगरी की सड़कें भी पानी से सैलाब, यहां पर सैलाब जूती हुई नजर आई। और बारिश की वजह से अंधेरी और सबवे में इतना पानी भर गया कि वहां पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। वही एमपी में भी बारिश से बुरा हाल है। सिवनी जिले के कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। वैनगंगा नदी में अचानक बाढ़ आने से लोगों को यहां पर तेज बहाव के बीच लोग जो है फंस गए हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम जो है लोगों को यहां पर रेस्क्यू कर रही है। मध्य प्रदेश में कई नदियां उफान पर आ गई है। यानी भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में लोगों को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वह उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई उसके मुताबिक यूपी में अगले यहाँ पर दो तीन दिन तक सभी जिलों में बादल बरसेंगे और जोरदार तरीके से भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से जून महीने के पहली बार पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल शाम से यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वह राजधानी लखनऊ, वाराणसी और नोएडा समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि अन्य जिलों में हल्की मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश यूपी में देखने को मिल सकती है। इस तरह का अपडेट जो है दिल्ली को लेकर निकल के सामने आ रहा है।